हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले हमने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, सो आप सब जाके देख सकते हैं उनको। और आप सभी को पता है कि हम इस बुक को कवर कर रहे हैं। सो आज के टॉपिक में हम लेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेंस, सो इसके बारे में बात करेंगे। तो आप, और अगर आपको वीडियो देखनी है प्रीवियस, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरे सेम चैनल पे है। सो आपने देखा होगा कि फॉर मेनी ईयर्स जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आप रेसिस्टेंट एक तरह से यूज़ करते हैं, और ये बोला जाता है कि नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन। सो ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, और आज सारे ही मिसकंसेप्शन को हम क्लियर करेंगे। और अगर आप नॉर्मल कोई ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर आप कोई फीमेल हैं, सो आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टर्म देख रहे हैं आप, मैस्कुलिनाइजेशन, मतलब इससे क्या होता है, ये टर्म, इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सो मैन लाइक मस्कुलर दिखना, या फिर जो मैन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना, वो होता है आपका ये मैस्कुलाइजेशन। सो उसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो हाइपरट्रॉफी है, आपकी मेल्स की तरह दिखना, ये सब होती है। लेकिन एक्चुअल में ये सब मिसकंसेप्शन है कि वुमेंस जो होंगी वो भी, इट वॉज थॉट दैट द, ठीक है, वो भी एक तरह से उनका भी ऐसे मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे अगर वो एक्सरसाइज करेंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो आप देखते हैं लड़कियों को, लड़के जैसे, वो एक्चुअली स्टेरॉइड से भरी हुई होती हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा इतनी ज़्यादा वो ठोकती हैं कि वो इसलिए दिखती हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी को देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम बनती है उनके में। सो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, जैसा आप देखते हैं बॉडी बिल्डर्स जो लड़कियाँ रहती हैं, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेचुरल नहीं हो सकते ऐसे। तो आप ये देखेंगे कि द मेनली, ये मेन अगर रीज़न देखेंगे आपका, कि जो हाइपरट्रॉफी है वो लेस होती है मेन के कंपैरिजन में वुमेंस में। ये आपको पता है हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जो मसल का साइज होता है वो बेसिकली इम्प्रूव हो जाता है, और वो ये परमानेंट भी होती है, ये टेम्परेरी भी होती है। अगर जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करेंगे, सो आप जब जिम में एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, सब क्या है, पंप दिखेगी बॉडी, और एकदम वो क्या है, टेम्परेरी हाइपरट्रॉफी होती है। वहाँ पर क्या है, जो एरिया रहता है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, बस वही आपकी टेम्परेरी है, उसको परमानेंट करने के लिए आपकी। और फिर आपकी सार्कोमेयर हाइपरट्रॉफी अलग होती है, ठीक है, तो ये भी टू टाइप्स की होती है। सो उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि देखिए मेनली ड्यू टू रीज़न क्यों, क्योंकि देखिए एंड्रोजन हो गया आपका, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। सो ये चारों हॉर्मोन्स हैं बेसिकली, जो आपके टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हॉर्मोन्स बोला जाता है, और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हॉर्मोन बोला जाता है। सो जैसे एस्ट्रोजन की लेवल अगर वुमेंस में छोड़ के अगर मेंस में बढ़ जाए, तो इनके देखिए आपने एक तरह से फीमेल्स के जैसे स्ट्रक्चर भी कई मेल्स में आपको दिखता है, वो एस्ट्रोजन लेवल उनका बड़ा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको दिखता है गाइनोकेमिस्ट्रिया होता है, ठीक है, गाइनो हो जाता है उनका बॉडी में। सो इसको सर्च कर सकते हैं, इस टर्म को, आपको और भी नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर वुमेंस आपकी ट्रेनिंग करती है, सो उनकी भी स्ट्रेंथ बिल्कुल इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस, ठीक है, और लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैन देखें तो बहुत कम इम्प्रूव होती है। सो ऐसी बात नहीं है, सब ट्रेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज सारी बिल्कुल सेम होती हैं। एक ये एक्सरसाइज हमारी जो दे रखी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग बैक बेंडिंग ऑफ ट्रंक, तो ट्रंक की जो बैक बेंडिंग है वो थोड़ा प्रेशर डालती है ऐसा। लेकिन हालांकि ये सब अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये जितनी भी एक्सरसाइज बताई जा रही है ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि, ठीक है, कि ये वुमेंस में दिक्कत करेगा या फिर कोई और बात है। सो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्रिंग्स अबाउट फॉलोइंग चेंजेस, तो इसमें ये बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन कि जो लिटल और नो चेंजेस इन बॉडी वेट, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी वेट, आप अगर लड़की हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी वेट घट जाएगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी वेट भी बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप जब बॉडी वेट की बात करते हैं तो उसमें आपका बोन वेट भी है, मसल वेट भी है, और आपका वाटर वेट भी है। सो ये सारी चीज़ें मिलके आपका क्या बनता है, बॉडी वेट बनता है। सो क्या पता आपका मसल मास थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा हो,
कि आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव हो रही हो, तो फैट आपका बेसिक घट रहा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा फैट होगा तो उसका उसका वजन एक किलो होता है, लेकिन इतनी सी मसल होती है उसका वजन भी एक किलो होता है। इसलिए जो पतले पतले थिन थिन रहते हैं बंदे, उनका वजन ज़्यादा रहता है, और आप देखेंगे मोटे मोटे हैं लेकिन वेट कम है, वो इसीलिए होता है क्योंकि फैट में बहुत वजन कम होता है। सो नेक्स्ट बी की बात करें तो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बॉडी फैट। सो बॉडी फैट क्या है, एकदम सिग्निफिकेंटली कम होता है, और सिग्निफिकेंट गेन इन लीन बॉडी वेट। सो लीन बॉडी वेट गेन होता है, लीन बॉडी वेट की जब हम बात करते हैं, लीन बॉडी वेट होता है आपका फैट फ्री मास, तो जो आपका मसल मास होता है बिना फैट के वो बढ़ता है। सो अगर हम इसको पूरा ऑल ओवर देखें तो हम एक तरह से इसकी समरी देख सकते हैं कि जो ऊपर बढ़ा है, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा है, इसका जो इफ़ेक्ट है मेल्स और फीमेल्स दोनों में आता है, ऐसा नहीं है कि खाली मेल में आएगा इसका इफ़ेक्ट। सो अगर आप देखेंगे ऊपर वाले को, सो वाइल अबाउ चेंजेस, जो ऊपर वाले चेंजेस हैं टेक प्लेस अबाउ इन बोथ, मतलब कि दोनों में, मेल्स और फीमेल्स दोनों में चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि वजन सिर्फ वुमेन्स का घटेगा मेल्स का नहीं घटेगा, बल्कि ऐसा ज़्यादा है कि जो वेट इंक्रीज है लीन मास, जो लीन मास गेन होगा वो वुमेन्स में लेस होगा, मतलब फीमेल्स में कम आपका लीन मास गेन होगा, लेकिन अगर उसके उल्टा देखें तो मेंस में जो होगा उनका पावरफुल और बहुत ज़्यादा उनका मसल मास गेन होगा बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो इसकी बात करते हैं कि गैप जो होगा दोनों में ये स्मॉलर होगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ एकदम से मेल्स में बढ़ेगी फीमेल्स में नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेंथ का रोल है वो दोनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो मसल मास ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है मेल्स में। सो यहाँ पर एक सेंटेंस ये भी लिखा हुआ है कि डू टू मच ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो ये डैमेज कर देगा वुमेंस की बॉडी को, और ये कंडीशन बनाएगा आपका प्रोलैप्स, और ये जो आपका वूम होता है वो उसमें, मतलब कि जो बच्चादानी होती है उसमें डिफ़िकल्टी करेगा, प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत आएगी। सो ये भी एक कहने वाली बात है, क्योंकि ये एविडेंस जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं आए हैं इसके। सो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें ये अलग हैं। सो सजेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल डैमेज एंड इंजरीज। सो इनकी बात करते हैं कि आपको सभी को पता होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जो हाई डिमांड ऑफ मसल टेंडन और लिगामेंट, आप सभी को पता है कि मसल क्या होती है, टेंडन क्या होती है, जो मसल होती है उसको जो जोड़ के रखती है हमारे किससे, जॉइंट से, ठीक है, बोन से। सो वो होती है टेंडन, और जो लिगामेंट होता है वो आपकी जो दो जॉइंट होते हैं, दो बोन होती है आपस में, उसके बीच में जो होता है वो लिगामेंट होता है। सो अगर ये मसल है बाइसेप्स की, इसको जोड़ के रखेगी, लास्ट का एंड वो होगा आपका टेंडन। सो इसमें कन्फ्यूज़न होती है बहुत बार सभी को, सो इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो हर बार आपको स्प्रेन और स्ट्रेन में भी कन्फ्यूज़न होती है। सो स्ट्रेन है आपकी टेंडन इंजरी और स्प्रेन है आपकी लिगामेंट इंजरी, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए आपको। आप सभी को पता होगा कि एक्सरसाइज करने से ये सारी ही चीज़ें इम्प्रूव होती है आपकी, और सो बेसिकली इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज दे रखी है। सो इसको आप पढ़ सकते हैं कि अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने के। तो जनरल एक्सरसाइजेज की हम बात करें, सो बहुत सारी जनरल एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर जो दी हुई हैं, तो इनको हम देख लेंगे एक बार। सो स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी। सो जनरल एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो जनरल एक्सरसाइज आपकी कौन सी एक्सरसाइज होती है जो आपकी स्किल इम्प्रूव करने के लिए जनरल कोऑर्डिनेशन बनाती हैं। सो आपकी जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, जंपिंग हो गई, ये सारी आपकी कौन सी है, जनरल एक्सरसाइज में काउंट होती है। सो ये सभी को आनी चाहिए, ठीक है, जैसे पुशअप, स्क्वाट, ये सब जनरल में आती हैं। अगर हम बात करें स्पेशल एक्सरसाइजेज की, सो ये स्पेशल एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो आपकी स्किल रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर किसी को साइकिलिंग में साइकिलिस्ट बनना है, सो उसको साइकिल चलानी पड़ेगी, उसको साइकिल से वार्म अप करना पड़ेगा, तो वो स्पेशल एक्सरसाइजेज में आएगी। ऐसे ही अगर जिमनास्टिक्स में आप रनिंग कर रहे हैं तो वो जनरल एक्सरसाइज में आएगी, इंस्टेड ऑफ अगर आप उसमें अगर फ्रंट रोल या फिर कार्टविल कर रहे हैं तो वो स्पेशल एक्सरसाइजेज में आएगी। सो ये बहुत सारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका जो कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेज होती हैं, सो
ये एक्सरसाइज अगर हम एक सेकंड, सो कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जो हमने जनरल देखी, स्पेसिफिक देखी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज क्या होती है, जैसे कोई अगर बच्चा, मान लो कोई स्टूडेंट है वो पावर लिफ्टिंग का है, सो आपको पता होगा पावर लिफ्टिंग में आपकी बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वैट तीनों चीज़ होती हैं। सो अगर वो स्क्वैट कर रहा है, मतलब अगर वो स्क्वैट कर रहा है वेट के साथ में, तो वो आपकी कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज होगी। क्यों कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज इसलिए होगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज वो होती है जो नियरली सेम होती है कोई भी कॉम्पिटिशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए। ऐसे ही अगर आप कोई वेट लिफ्टिंग का है तो वो अगर स्नैच या फिर क्लीन एंड जर्क कर रहा है सो वो उसकी कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज होगी। अगर वहीं पर वो शोल्डर प्रेस कर रहा है या फिर आपकी पुल ओवर्स कर रहा है या फिर और कोई एक्सरसाइजेस कर रहा है, बैक प्रेस कर रहा है, तो वो आपकी जनरल से लेके स्पेसिफिक एक्सरसाइज में होगी। लेकिन अगर वो वार्म अप कर रहा है नॉर्मली, जंपिंग वम्पिंग कर रहा है, वो जनरल एक्सरसाइजेस होगी। सो होप आप समझ गए होंगे जनरल आपकी और आपकी स्पेसिफिक और कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो जनरल सभी के लिए सेम होती है, स्पेसिफिक अलग अलग गेम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज जो कॉम्पिटिशन में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी जैसी सेम मूवमेंट। सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज इन सम स्पोर्ट्स आर गिवन। सो लॉन्ग जंप के लिए अगर आप यहाँ पर लॉन्ग जंप का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं। सो ये आपकी होगी जनरल एक्सरसाइज, इसमें क्या होगी, आप फ्री हैंड एक्सरसाइज होगी। ठीक है, ये आपकी जनरल एक्सरसाइजेज होंगी, ये आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होगी, और ये आपकी कौन सी होगी, कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेज होंगी। सो इनको एक बार आप चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, फुटबॉल के लिए कौन कौन सी होगी, रेसलिंग के लिए कौन कौन सी होगी। ठीक है, बाउट्स वगैरह ये आपकी स्पेसिफिक में उसमें आ जाएगी कॉम्पिटिटिव में, अगर आप बाउट कर रहे हैं, ठीक है, फाइट कर रहे हैं। बास्केटबॉल में कॉम्पिटिशन की जैसी सिचुएशन में अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो आपकी उसमें आ जाएगी। सो ऐसे ही है, जो भी आपका गेम है उसमें जो आप कंपटीशन में परफॉर्म करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस हो जाएगी। सो अगर एडिशनल मीन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो पेडागोजिकल, जो आपकी पेडागोगी होती है बेसिकली, सो उसकी उसके वेरिएबल्स हैं,